गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपन जो है अध्याय सेकंड द्वितीयक व्यवसाय के कुछ उद्योगों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन निर्माण विनिर्माण उद्योग का बंटवारा कर चुके थे, अब कुछ पर्टिकुलर उद्योग जो इसके अंतर्गत आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग ये हमारा टॉपिक है। आज विश्व में सैकड़ों उद्योग है बच्चों, जिसमें से हम यहाँ दो प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में जो केवल दो उद्योग जो है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है बच्चों लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा है वस्त्र उद्योग। इन दोनों के बारे में अपन डिटेल से जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहला है लोहा इस्पात उद्योग। क्या होता है लोहा इस्पात उद्योग बच्चों? जिसमें मशीनों के पार्ट्स बनते हैं। तो ये जो है सभी उद्योगों की जननी, अगर इनको कहे सभी उद्योगों की जननी या उद्योगों की धुरी कहे लोहा इस्पात उद्योग को, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर उद्योग हर फैक्ट्री में जो ज़रूरत पड़ती है बच्चों मशीनों की, और मशीन किस में? लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत ही बनती है। तो शुरू करते हैं लोहा इस्पात उद्योग। महत्व, इसका क्या महत्व है लोहा इस्पात उद्योग का देखना। लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है, यानी कि मेन नींव यही है। यह स्वयं एक भारी उद्योग है तथा सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चा माल का स्रोत भी यही है, अतः इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग को जो है आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि सभी उद्योगों की ये धुरी मानी जाती है, सभी उद्योगों को कच्चा माल जो इसी से मिलता है। इसके बगैर हम जो है औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे उद्योगों की धुरी भी कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? एक तो आधारभूत उद्योग कहा जाता है और एक उद्योगों की धुरी यानी कि मेन केंद्र जो है यही है। अब दो पिक दे रखे हैं नीचे चित्र, उसमें एक तो चीन के लोहा इस्पात उद्योग और एक रूस में लोहा इस्पात उद्योग की जो है तस्वीरें आपको नज़र आ रही होगी। तो लोहा इस्पात उद्योग का महत्व तो यही है कि ये सभी उद्योगों की धुरी मानी जाती है, इसके बिना अपन किसी दूसरे उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे देखो, आधुनिक लोहा इस्पात निर्माण के तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। लोहा इस्पात बनाने के लिए तीन विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला बेसिमर विधि, दूसरा उन्मुक्त भट्टी विधि और तीसरा विद्युत भट्टी है। बेसिमर विधि द्वारा यानी लोहे को गलाने के लिए तीन विधियाँ प्रयोग में ली जाती है बच्चों। लोहा गलाया जाता है, पिघलाया जाता है। तो बेसिमर विधि पहली, दूसरी उन्मुक्त भट्टियों में लोहे को पिघलाना और तीसरा विद्युत भट्टी भी जो आजकल चलने लगी है। लोहा इस्पात उद्योग बनाने के लिए लोहा अयस्क को उक्त भट्टियों में कोक एवं चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। आप इंडस्ट्रियल एरिया में कभी गए होंगे बच्चों तो आपने लोहा फैक्ट्रियां देखी होगी, उसमें लोहे को किस प्रकार पिघलाया जाता है, तो उसमें चूना पत्थर के साथ मिलाकर उसको उसमें पिघलाया जाता है, तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। उसे पिघलाने के बाद निकाल कर जो ठंडा करने के बाद जो लोहा होता है बच्चों उसको कच्चा लोहा कहा जाता है। इसी कच्चे लोहे में मैंगनीज मिला करके इस्पात तैयार किया जाता है। लोहे में जब मैंगनीज मिला दिया जाता है तो वो जो है एक इस्पात बन जाता है। परंपरागत रूप से भारी इस्पात उद्योगों की स्थिति कच्चे माल के भंडारों के समीप ही स्थापित की गई थी, यानी कि लोहा इस्पात उद्योग ऐसा है जिसमें कच्चा माल भी भारी होता है, जितनी भी वस्तुएं इसमें चाहिए होती है वो सभी अत्यधिक भारी होती है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि इस प्रकार के उद्योगों को जो है कच्चे माल के प्राप्ति के निकटवर्ती क्षेत्रों के समीप ही इसको स्थापित किया जाता है। यहाँ लोहा इस्पात में देखना, लोहे अयस्क चाहिए, कच्चा माल चूना चाहिए, कोयला मैंगनीज चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो वहीं पे, ताकि परिवहन लागत को न्यूनतम किया जा सके, ताकि परिवहन के पैसे नहीं लगे। कुछ उद्योग बंदरगाहों के निकट स्थापित किए जाते हैं, कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जाता है। आजकल कच्चे माल के रूप में स्क्रैप को प्रयोग में लेकर के बाजार के समीप लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना होने लगी है। विश्व के प्रमुख देशों में लोहा इस्पात उत्पादन देखना, सबसे ऊपर चीन जिसमें 822.70 मिलियन जो है टन लोहा इस्पात होता है, फिर उस दूसरे नंबर पे जापान आता है लोहा इस्पात उद्योग के मामले में, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत अपना चौथे नंबर पर आता है। लोहा इस्पात के उद्योगों की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, प्रथम पे चाइना। अब लोहा इस्पात उद्योग का विश्व वितरण पढ़ लेते हैं। विश्व में कहाँ कहाँ पे सर्वाधिक जो है लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने हैं? लोहा इस्पात उद्योग विस्तृत रूप से वितरित हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी विश्व के प्रमुख
उत्पादक देश है जो लोहे में जहाँ पे बनता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, इटली, भारत में भी लोहे इस्पात का प्रमुख केंद्र है। पहला है चीन, जहाँ सबसे ज़्यादा लोहे इस्पात के कारखाने हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। अंडरलाइन करना, सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात उत्पादित करने वाला देश कौन सा है बच्चों? चीन। चीन में इस उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल है। कुछ क्षेत्र जहाँ चाइना में भी कहाँ कहाँ पे ये जो है उद्योग स्थापित है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है मंचूरिया से मंचूरिया क्षेत्र बच्चों, मंचूरिया नामक जगह है चाइना में, वहाँ पे ये जो क्षेत्र है। इससे पहले अपन मैप में एक बार देख लेते हैं बच्चों, मैप के अंतर्गत कि कहाँ कहाँ पे जो है ये लोहा इस्पात उद्योग आपको मिल जाएगा। ये बच्चों ये चाइना, ये वाला क्षेत्र जिसमें प्रमुख क्षेत्र आएगा चाइना के अंतर्गत, ये बेल्यूनविंसक, मास्को, टोस्क, ये वुहान, बीजिंग, ये सारे चाइना वाले क्षेत्र। तो यहाँ अगर मैप में पूछे चीन में कहाँ कहाँ है, तो आपको यहाँ पे नाम भर देने हैं जो भी नाम आपको मैप में पूछे। तो पहला चीन के बारे में अपन पढ़ रहे थे, मंचूरिया क्षेत्र। चीन का यह सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ लौह इस्पात प्राप्त होता है। यहाँ अनसान और फुसुन नामक क्षेत्र भी जो इसके प्रमुख केंद्र है। फिर दूसरा आता है उत्तरी चीन क्षेत्र, जिसमें शांसी और सेंसी कोयला क्षेत्रों के समीप कई इस्पात केंद्र स्थापित हुए हैं, जिसमें पाउटाओ और बीजिंग प्रमुख है। फिर यांगटीसी क्यांग घाटी क्षेत्र, जहाँ से यहाँ कच्चे क्षेत्र कच्चा माल और जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। यहाँ प्रमुख केंद्र वुहान, संघाई, हंगकाओ और चुंगकिंग प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य केंद्र में कैंटन, कुनमिंग और चुंगचिंग सिंगटाओ ये प्रमुख क्षेत्र है। तो आपको चीन के अंदर का ये क्षेत्रों के नाम याद रखने, केवल एक तो मंचूरिया, इसके अलावा आपको बीजिंग के बाद आपको वुहान और संघाई, ये चार देश क्षेत्रों के नाम लिखने हैं जहाँ चाइना में लोहा इस्पात मिलता है। चीन के बाद नंबर आता है बच्चों जापान का। जापान विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्थानीय कच्चे माल की अनुपलब्धता के बावजूद अपनी उत्कृष्ट तकनीकी यातायात के साधन और यहाँ कच्चा माल नहीं मिलता है बच्चों जापान में, फिर भी उन्नत तकनीकी प्रपेशों की वजह से सरकारी नीतियों के कारण इस्पात उद्योग प्रमुख केंद्र बना हुआ वहाँ पे। प्रमुख क्षेत्र देखना जापान में कहाँ कहाँ पे है। पहला नागासाकी यावता क्षेत्र, जिसमें उत्तरी क्यूस द्वीप के स्थित यह क्षेत्र जापान का सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है। तो नागासाकी आपको नाम याद रखना है जापान में। फिर दूसरा नाम बच्चों आपको याद रखना है कोबे, ओसाका क्षेत्र, आपको ओसाका नाम याद रखना है। फिर टोक्यो क्षेत्र, आपको केवल टोक्यो नाम याद रखना है। तो यही तीन नाम आपको याद रखना है, नागासाकी, ओसाका और टोक्यो, ये जापान के प्रमुख इस्पात संयंत्र केंद्र है। फिर तीसरे नंबर पर आता है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, यह अपने संसाधनों के कारण 10 शताब्दियों तक विश्व में लोहा इस्पात का बृहत एवं उपभोक्ता रहा है। यहाँ उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कच्चे माल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला है पिट्सबर्ग प्रमुख क्षेत्र, जहाँ पे कोयला उत्पादित होता है। केवल आपको नाम याद रखना है बच्चों, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र पिट्सबर्ग हो गया। दूसरा नाम आपको शिकागो याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, शिकागो। शिकागो भी जो है अमेरिका का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। फिर इरी झील क्षेत्र तटीय इरी झील आपको नाम याद रखना है जिसमें। फिर मध्य अटलांटिक क्षेत्र, केवल ये नाम याद रखना है क्योंकि बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अलाबामा क्षेत्र भी जो है अमेरिका में प्रमुख इस्पात क्षेत्र माना जाता है। अब चौथे नंबर पे वैसे बच्चों लोहा इस्पात में भारत था, पर अपन भारत के संदर्भ में दूसरे भाग में विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर भारत की डिटेल नहीं दे रखी है। इसलिए अगला नंबर लिया इन्होंने रूस का। रूस विश्व का चौथा बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यानी उत्पादन की दृष्टि से तो रूस है, लेकिन आकार की दृष्टि से भारत है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र यूराल क्षेत्र हो गया। इसके अलावा कुजनेत्सक क्षेत्र हो गया, इसमें यह नाम याद नहीं होता, छोड़ सकते हो। मध्य क्षेत्र में आपको नाम याद रखना है टुल्ला और मास्को, दो नाम याद रखने, एक तो टुल्ला और एक मास्को, ये रूस के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। अन्य देशों में जर्मनी में भी है, भारत में भी, भारत में
भारत का जरूर याद रखना बच्चों, भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुहरानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, अलेम, ये सारे जो है स्लेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती प्रमुख इस्पात केंद्र माने जाते हैं। तो ये था हमारा लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा है वस्त्र उद्योग, जिसको अपन अगली वीडियो में करेंगे।